गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के पहले प्रैक्टिस सेशन में कराई ऐसी तैयारी जिसे देख कांप उठेगी लंकाई टीम। मैदान में उतरते ही गौतम गंभीर ने पहले किया हंसी मजाक, फिर खिलाड़ी को कराई हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। अब गौतम गंभीर इन खिलाड़ियों के दिलाएंगे इंसाफ जो कई सालों से कर रहे थे अपनी बारी का इंतजार। गौतम गंभीर ने जब से टीम इंडिया के हेड कोच की पोजीशन संभाली है तभी से वो लगातार सुर्खियों में बने हैं। गंभीर टीम इंडिया के स्टार श्रीलंका दौरे पर पहुंच गए हैं। पल्ले केले में मंगलवार को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और गंभीर ने अपनी कोचिंग से सभी का दिल भी जीत लिया। गंभीर ने बतौर हेड कोच पहले प्रैक्टिस सेशन में क्या क्या किया इसकी रिपोर्ट पल्ले केले से आ गई है। बताया जा रहा है कि गंभीर ने चार खिलाड़ियों के साथ ज्यादा समय बिताया। गंभीर के आने के बाद से टीम इंडिया का माहौल पूरी तरह से खुशनुमा नजर आया। इसके बाद खिलाड़ियों ने जमकर पसीना भी बहाया। टीम इंडिया जब प्रैक्टिस सेशन के लिए आई तो माहौल काफी हल्का था, सभी खिलाड़ी हंसी मजाक कर रहे थे। इसके लिए बाद टीम इंडिया ने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की शुरुआत की। रिपोर्ट की माने तो फील्डर को हर कैच पकड़ने का चैलेंज दिया गया और गेंदबाजों ने भी काफी पसीना बहाया। बल्लेबाजों ने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की, हर गेंद मैदान से बाहर मारने की कोशिश हुई। टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में हर एक एक्शन पर गंभीर की नजर थी, साथ ही उन्होंने हर खिलाड़ी से बातचीत की। गंभीर ने नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ काफी समय बिताया। इसके बाद नए हेड कोच ने रिंकू सिंह, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल के साथ काफी देर तक बातचीत की। गौतम गंभीर ने यशस्वी को बल्लेबाजी के टिप्स भी दिए। आपको बता दें कि इन तीनों खिलाड़ियों के साथ कहीं ना कहीं अब तक नाइंसाफी हुई है। ये तीनों ही खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद टीम इंडिया से बाहर ही नजर आते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर के आने से इनके टैलेंट के साथ इंसाफ हो जाएगा। भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका के दौरे पर है जहां दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच 27 जुलाई से टी20 सीरीज का आगाज होगा। इससे पहले टीम इंडिया जमकर प्रैक्टिस कर रही है। नए हेड कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम इंडिया ने 23 जुलाई को अपना पहला प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन किया। पूर्व कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब देखने वाली बात यह है कि क्या गौतम गंभीर भी राहुल की योजना पर काम करेंगे या गंभीर का दृष्टिकोण अलग होगा। पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान नए हेड कोच गौतम गंभीर की भी पूर्व कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा वाली रणनीति देखने को मिली। सबसे पहले टी20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। इसके बाद शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी से प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत हुई। इस दौरान गंभीर का मैसेज साफ था कि हर गेंद पर आक्रमण करो। बल्लेबाजी का सेशन दो भागों में बांटा गया। पहले सेशन में सलामी बल्लेबाजों ने 40 मिनट तक प्रैक्टिस की। इसके बाद मध्य क्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अभ्यास किया। प्रैक्टिस सेशन के दौरान हेड कोच गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल और कप्तान सूर्य कुमार यादव से लंबी बातचीत की। वहीं हार्दिक को बल्लेबाजी से पहले गेंदबाजी का अभ्यास करते देखा गया। इसके बाद पांडे ने सहायक कोच अभिषेक नायर की निगरानी में बल्लेबाजी का अभ्यास किया। इस दौरान हार्दिक काफी सकारात्मक दिखे। भले ही इतने दिनों में ये मुद्दा गरम रहा हो कि हार्दिक को टी20 का कप्तान क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन इन सब बातों का प्रैक्टिस के दौरान पांडे पर कोई असर देखने को नहीं मिला। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।